तस्वीरों में जो नज़ारा आप देख रही हैं, ये हांसी के विश्वकर्मा चौक का है। आपको बता दें कि हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा जब दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में हांसी पहुंची, तो पंडित सुमन शर्मा उनका स्वागत करने के लिए अपने साथियों के साथ विश्वकर्मा चौक पर पहुंच गए। क्योंकि कुछ ही समय बाद चुनाव आने हैं, तो आप इस भीड़ को शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देख सकते हैं। जब दीपेंद्र हुड्डा विश्वकर्मा चौक पर पहुंचे, तो फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर पंडित सुमन शर्मा ने दीपेंद्र हुड्डा जी को गदा भी दी। ये पहला मौका नहीं है जब पंडित सुमन शर्मा ने कांग्रेस आला कमान के सामने अपना शक्ति प्रदर्शन किया हो। इससे पहले भी कई बार वो अपने साथियों की एक अच्छी खासी भीड़ कांग्रेस पार्टी को दिखा चुके हैं। खास बातचीत में कांग्रेस नेता ने कहा कि पंडित सुमन शर्मा जो भी है अपने भाईचारे के दम पर है, और वो विधायक बनने के बाद यहाँ के सत्ताहीन लोगों को दिखाएंगे विधायक के मायने क्या होते हैं। दीपेंद्र हुड्डा जी, चंद सुनों में जो है हंसी पोचन वाले और मेरे पीछे कोल देखने लाग रहे हो, खचाखच भरा है, उनका स्वागत की तैयारी करने लाग रहा है और अंदर चल के जो है बात करांगे। भाई जी क्या? नमस्कार जी, क्या नाम है? अजय नाम है जी। अच्छा, किसका इंतजार हो रहा है? आज दीपेंद्र हुड्डा जी पद यात्रा निकाल रहे हैं, हरियाणा मांगे हिसाब, तो जो हिसाब वो बीजेपी सरकार से मांग रहे हैं इनके 10 साल के कार्यकाल का, तो आज दीपेंद्र हुड्डा जी आ रहे हैं और सुमन शर्मा जी आज अपनी पद यात्रा का स्वागत करेंगे। स्वागत दिखाने लग रहे हैं, ताकत दिखाने लग रहे हैं, सीधा बोलते हो ना। चलो अंदर जाके वो तो बेरा पाट जाएगा, ताकत कितनी है और कितने लोग है। तो मेरे पीछे देख सको भाई, देख स्कैंडल जी नमस्कार। नमस्कार जी, अंकित जी, कैसी तैयारियां चल रही है? बहुत बढ़िया तैयारियां चल रही है, 10 साल को सीएम बनाएंगे, सुमन को विधायक बनाएंगे। क्या बात है, चलो भाई और आगे जो है चल के बात कर लेंगे। कैमरामैन तुम्हारा दोनों तरफ दिखानदार हो, काफी तकड़ी जो है भीड़ पहुंच ली है और ओल जो है खचाखच भर गया है और बात करते रहेंगे। भाई जी नमस्कार, स्वागत है। कैसे? क्या नाम अपना? कौन पसाना? कौन से गांव से? तुक्कुर। अच्छा, आज कैसे आने हुए? सुमन शर्मा जी के लिए आए। अच्छा, सुमन शर्मा जी को मजबूत करने के लिए आए। तो इस बार हांसी तो आपका कौन करता है? कांग्रेस जीत रही है? जीत रही है। अच्छा, क्या दौरा है? बिल्कुल। अंकल जी नमस्कार। नमस्ते, तकड़े हो? अच्छा, आज क्या चाहने हो यहाँ? सुमन शर्मा की है ना, टिकट मांगने के लिए आए हैं दीपेंद्र से। अच्छा, 36 बरादरी का नेता है और इस करके इसको हमें टिकट दी जाए, यही हमारी अपील है चौधरी दीपेंद्र जी से। तो भाई जनता का यह कहना है कि ताकत दिखा रहे हैं सुमन शर्मा जी के लिए, वो खुद या उनके निजी लोग माने या ना माने, लेकिन लोग इस बात को मानने के लिए तैयार है कि पंडित जी के लिए जो है टिकट मांगने आए हैं। भाई जी नमस्कार। नमस्ते भाई साहब, क्या नाम है? दिनेश कौशिक। कौन से गांव से हो? कुंभा से। अच्छा, आज कैसे आने हुए? आज सुमन शर्मा जी दीपेंद्र हुड्डा जी का स्वागत कर रहे हैं, उसके उसमें आए। अच्छा, चलो भाई, सबका जुबान में एक नाम है सुमन शर्मा जी। और भाई जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार, मुंह मीठा कर रहे हो? मीठा कर रहे हैं जी। अच्छा, कौन से गांव से हो? मदन खेड़ी से, राजेश जाखड़। अच्छा, जाखड़ साहब कैसे आने हुए आज? पंडित जी और पंडित के लिए आए, टिकट जमाने के लिए आए। अच्छा, चलो भाई, सबकी जुबान पे एक के नाम है और उस नाम पे जो है आपकी बात करा जाएंगे। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार, 2 मिनट का समय चाहूंगा, बैठो एक बार, बैठो अंकल जी। मैं लोगों से बात करने लग रहा था, मना कैसे आने होया लोग नु, और कुछ नहीं कहते, मोस्टली एक के बात को है कि सुमन शर्मा जी ने टिकट दुआना आया। देखो, ये मेरा परिवार है, हमेशा ही एक आवाज के साथ हमेशा खड़ा रहता है मेरे लिए। आज तक जितनी ताकत इनने दी है, इस पद तक जा पहुंचा हूँ, इन्हीं का ताकत है और यही टिकट मांगेंगे और यही विधायक बनाएंगे। एक बार कैमरामैन तुम्हारा पीछे घुमा दे, इबे एमपी साहब के आने में लगभग आधा एक घंटा बाकी है और ईद पहला जो हॉल भर गया, बाकी भीड़ की डाटोगे? देखो, ये हॉल नहीं भरा, जितने हॉल के अंदर इतने बाहर खड़े हैं। आप अपनी वीडियो बना के आओ, हॉल के अंदर जितनी 1000 कुर्सी लगी हुई है, उसके बाद इतने लोग बाहर खड़े हैं। ये मेरा प्यार है, ये मेरे सभी साथी 36 बिरादरी के लोग, मेरा परिवार है, मैं हमेशा इनको कॉल करता हूँ तो हमेशा यहाँ खड़े रहते हैं। मैं तो क्या कहना, तुम उस तरह इतनी ताकत दी है मेरे को। तो आज जो है सीधी बात यह है कि भाई आप एमपी साहब के आगे अपनी ताकत दिखा रहे हो। ताकत तो जब जब भी कांग्रेस पार्टी मुझे कॉल करती है, कोई भी कार्य मेरे जिम्मे लगाती है,
तो मैं मेरे भाइयों को याद करता हूँ, ये मेरे पीछे खड़े हो जाते हैं। कांग्रेस पार्टी ने कॉल की कि आज दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी पैदल यात्रा करेंगे हरियाणा में, बीजेपी की सरकार से साथ मांगेंगे और वो पैदल यात्रा करेंगे। मेरे भाइयों को कहा मेरे नेता को ताकत देनी है, मेरे नेता का सम्मान करना है। या ग्यारह लोग आ गए, आज मेरे नेता का सम्मान करेंगे। आपका क्या कार्य है सुमन शर्मा जी, जो कुछ भी है अपने भाईचारे के दम पे? बिल्कुल, राजनीति करेंगे तो मेरा परिवार है, इन्हीं की ताकत से राजनीति है, इन्हीं की ताकत से 8 बार पार्षद बने हैं, इन्हीं की ताकत से 2 बार चेयरमैन बने हैं, इन्हीं की ताकत से ही कांग्रेस पार्टी बिगड़ जाएगी। हुड्डा साहब का आशीर्वाद रहेगा, कांग्रेस पार्टी का आशीर्वाद रहेगा, यही लोग मुझे हासी का विधायक बनाएंगे। और विधायक बनने के बाद मैं बार बार कहता हूँ कि मैं बताऊंगा विधायक के मायने क्या होते हैं। एक लास्ट सवाल, आज की जो है पद यात्रा हासी की राजनीति पे कितना प्रभाव डालेगी? आप देख सकते हो हजारों आदमी तो मेरे पास इकट्ठे हो रहे हैं, और भी बहुत भाइयों ने इकट्ठे किए होंगे। आज इतना बड़ा जनसलाब माननीय दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ हासी विधानसभा का चल रहा है, क्योंकि बीजेपी की कारगुजारियों के खिलाफ जैसे ही दीपेंद्र हुड्डा जी ने प्रोग्राम शुरू किया हरियाणा मांगे साफ, तो जन जन इनके पीछे खड़ा हो गया। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, आपका ज्यादा कीमती टाइम नहीं लेंगे। थैंक यू।